Assalamu alaikum, dear students. Welcome to American Academy. How are you today? You will be fine, I hope so. Today, we are going to do an experiment. Aaj hum dekhenge ki cryoscopy kya hai aur iske zariye se hum kaise fayda utha sakte hain. Ab ye cryoscopy kya hai iske bare mein ek chhota sa taaruf kar lete hain ki hum isme actually depression in freezing point maloom karte hain. Ye ek colligative property hai. Asaan lafzon mein agar bayan kare तो हम एक सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर मालूम करेंगे और फिर उसमें कुछ सॉल्यूट की मिकदार जो वेट क्वांटिटी में होगी डालने के बाद फिर मालूम करेंगे, यानी पहले प्योर सॉल्वेंट का और फिर बाद में सॉल्यूशन की शक्ल में उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट मालूम होगा। इन दोनों फ्रीजिंग पॉइंट में हमेशा यह देखा गया कि प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो हमेशा ज्यादा होता है बनिस्बत उस टेम्परेचर के जब हम उसमें सॉल्यूट दाखिल कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट में कमी वाकई होती है या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो बहरहाल ये आपके पास सादा सा एक फार्मूला भी है जो आपको नजर आ रहा है। इसमें जो दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो है एक वेट ऑफ सॉल्यूट, ये भी आपको बैलेंस बता देगा, और दूसरा वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी हमें एक बैलेंस बता देगा। मतलब ये हम आसानी के साथ काउंट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और जो के एफ है इसे हम कहते हैं मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये हमारे पास एक कांस्टेंट है इसलिए इसकी वैल्यू मालूम करने की जरूरत नहीं है, ये आपको टेबल से अपने लिटरेचर से मिल जाएगा। और जो डेल टी है या इसको हम डेल टी एफ भी बोल सकते हैं, ये असल में हमें परफॉर्म कर मालूम करना है और यही हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए जो प्रोसीजर होगा ये मैं आपको बता देता हूं। तो स्टोरी शुरू होती है यहां से, जब हम क्या करते हैं इनर फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर वो सॉल्वेंट लेते हैं जिसका फ्रीजिंग पॉइंट हमने मालूम करना है। अब करना यह है कि फ्रीजिंग पॉइंट मालूम करने वाली इस ट्यूब को आपने आइस बाथ में रखना है और कुछ देर रखे रहने देना है। इससे होगा ये कि आपको एक रेफ एस्टिमेशन हो जाएगी कि कब फ्रीजिंग स्टार्ट होती है और थर्मामीटर डिप करके उसमें देख लेंगे वन टाइम। ये हमारा एक एस्टिमेटेड या रफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा। बाकी अपरेटस को एक दफा देख लें कि वो सही काम कर रहा है, आउटर जैकेट में इनर जैकेट आसानी से लग जाती है, बॉटम टच तो नहीं कर रहे और फ्रीजिंग जार भी सही तरह से काम कर रहा है। ये हमने सब कुछ पहले से देख लेना है। ये वो ट्यूब है जो कि फ्रीज्ड सॉल्वेंट को शो कर रही है और यहीं पर हमें पता लगेगा कि आइस बाथ में किस तरीके से ये जो ट्यूब है वो अपना सॉल्वेंट फ्रीज कर गई है। ये एक रफ एस्टिमेशन है, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। मतलब ये नहीं होगा कि हम वेट करते रहें और हम इंतजार करें कि कब फ्रीजिंग टेम्परेचर आएगा। तो हम एक रफ लेने के बाद करेंगे ये कि उसके करीब करीब टेम्परेचर को लेकर जाएंगे वापस, यानी उसको हॉट करेंगे या कुछ देर रख देंगे। इस तरह से हमें आसानी हो जाएगी। ये हमारे पास एक डिजिटल थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर में हमें कुछ प्रिसाइज रीडिंग्स मिल जाती हैं। आप नॉर्मल थर्मामीटर जो 0 से 100 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है वो भी आप ले सकते हैं। अब आपने थर्मामीटर को अंदर डिप कर देना है या थर्मामीटर को लगा देना है, ऐसे कीजिए, और जो सॉल्वेंट है उसमें डिप कर देना है। अगर सॉल्वेंट जैसे यहाँ पर मेरे पास थोड़ा कम रह गया था तो मैंने मजीद सॉल्वेंट इसके अंदर ऐड कर दिया है। इस तरह से कुछ देर रखे रहने देंगे और इसको मैं रख रहा हूँ मैग्नेटिक स्टीयरिंग अपरेटस पर। ये मेरे पास एक साइड आर्म था मेरे स्टैंड का, इसमें आर्म थर्मामीटर अगर लगता तो वो एडजस्ट हो सकता था। ये कॉर्क लगा दिया गया है। इस कॉर्क के लगाने पर अब क्या होगा, सॉल्वेंट इवेपोरेट नहीं करेगा साइड आर्म से या साइड ट्यूब से। ये मैंने मैग्नेटिक सिरर डाला है। मैग्नेटिक सिरर डालने पर क्या होगा कि जब आप इसको रखेंगे और अच्छी तरह से अपरेटस को काम करने देंगे तो क्या होगा, ये स्टीयरिंग करेगा। स्टीयरिंग बहुत स्लोली कीजिएगा सॉल्वेंट के अंदर। मैंने जैसे कहा कि सॉल्वेंट पहले फ्रीज हो चुका था लेकिन फिर हमने इसे दोबारा मेल्ट किया, लेकिन बहुत गर्म नहीं किया, फ्रीजिंग टेम्परेचर से जो रफ फ्रीजिंग टेम्परेचर था थोड़ा सा कम रखा। अब हम दोबारा से उसको जब फ्रीजिंग मिक्सर में रखेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करने लगेगा। अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और जो एग्जैक्ट फ्रीजिंग पॉइंट है वो मालूम हो जाएगा। जहाँ फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा आपको वो जगह ऐसी होगी जहाँ टेम्परेचर मजीद नहीं गिरेगा और वही फ्रीजिंग होगा। देखें ये हमारे पास टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करता है, लेकिन जो ये डिक्रीज कर रहा है ये बहुत ही कंसिस्टेंट नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करेगा, इसलिए पेशेंस के साथ आपने काम लेना है।
ये हमारे अपरेटस का ओवरव्यू है, ये मैग्नेटिक स्टिरर भी आपको दिखा दी गई है, ये हॉट प्लेट भी है, लेकिन अभी हमें गर्म करने की जरूरत नहीं है, वो हम अपनी एब्यूलोस्कोपी में करेंगे। तो ये अंदर कुछ आपको नजर आ रहा है कि कुछ मूव कर रहा है, ये स्टिरर है। टेम्परेचर स्लोली स्लोली जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो बहरहाल बड़े एहतियात के साथ आपको पेशेंस रखना होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, लेकिन करना ये है कि जितना ये स्लोली डिक्रीज करे उतना बेहतर है, क्योंकि जो आउटर जैकेट है उसमें एयर है, और जो हवा है वो क्या करेगी, वो बाहर वाले सॉल्यूशन को अंदर से हीट लाकर देगी, इसलिए ये अमल सुस्त होगा। तो इसके बाद जब फ्रीज हो जाए और टेम्परेचर नोट कर लिया जाए, तो फिर आप इस ट्यूब को निकालें, ये देखें दोबारा फ्रीज हो गई है, और फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ी देर रखे रहने दें, जब ये रखे रहेगी तो दोबारा से मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाने के बाद दोबारा इसमें हमने मैग्नेटिक स्टिरर डाल दिया है, तो ये आपको मैं दिखाता हूँ कि मैग्नेटिक स्टिरर किस तरह से काम करती है, और ये देखें ये मूव भी कर रही है। इसमें हमने वेट क्वांटिटी में अब एक सॉल्यूट ऐड करने हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, नॉन वोलाटाइल हो, यानी यूरिया डाल लें, थोड़ी सा ग्लूकोज सुक्रोज डाल दें, और वो वेट क्वांटिटी में होना चाहिए। फिर दोबारा से अपरेटस को उसी तरह सेट करें जैसे हमने पहले सेट किया था, और थर्मामीटर भी लगाएं, सब कुछ उसके अंदर जो है वो जैसे जैसे आपको पहले बताया गया था उसी तरीके से कर दें, और उसको रखे रहने दें। अब आपको दोबारा फ्रीजिंग पॉइंट मालूम करना है। अब दोबारा फ्रीजिंग पॉइंट जो मालूम होगा आपको, वो थोड़ा सा पहले की निस्बत क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड, यानी इसको हम बोल सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो हमने टेम्परेचर मालूम किया या फ्रीजिंग टेम्परेचर मालूम किया प्योर सॉल्वेंट का, दैट इज कॉल्ड T1, और जब हमने सॉल्यूट डालने के बाद मालूम किया वो कहलाया T2। अगर T2 में से T1 माइनस करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज ∆T और ∆TF, और इसी को ही बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब ये आपके पास चारों चीजें मालूम हो जाएंगी, तो अब आएगा मजा कि अगर हम मालूम करना चाहें किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास, तो हम मालूम कर सकते हैं। मोलर मास कह लीजिए या मोलर वेट कह लीजिए, फार्मूला लगाकर सब वैल्यूज को पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद हम जो आंसर निकालेंगे दैट विल बी द मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट। तो ये था क्रायोस्कोपी का फायदा। अगर आपको ये वीडियो लगी हेल्पफुल तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली नई इसी तरह की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस वक्त पर मिल सकें।